आज मैं लेकर आई हूँ लिट्टी चोखा की रेसिपी। लिट्टी चोखा बिहार झारखंड का प्यार है। इसे आप अगर ट्राई नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। इतनी आसान लिट्टी चोखा की रेसिपी आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं लिट्टी चोखा की रेसिपी आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बनेगी। ऐसे तो लिट्टी चोखा बिहार झारखंड की डिश है, पर इसे पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही पसंद की जाती है। तो बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम, सभी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाय, मैं हूँ सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, हमारी रेसिपी आप सभी को पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए शुरू करती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मैं इसे देसी तरीके से बताऊंगी और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ इसमें डाले हैं, कैसे बनाया है, तो स्किप करके अगर देखेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे और आपकी लिट्टी चोखा इतने स्वादिष्ट नहीं बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बिना स्किप किए इसे देखें और पूरे अच्छे से आप इसे समझें कि कहाँ कहाँ हम इसमें क्या क्या चीज़ डाले हैं, यूज किए हैं, तो आप इस लिट्टी चोखा के टेस्ट स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे सबसे पहले हम यहाँ पे चोखा तैयार करेंगे, जिसके लिए बैंगन को हमने कट करके भंटा को चेक कर लिया है, चारों तरफ से हल्के कट लगा के चेक कर लिए कि कहीं वो अंदर से ख़राब तो नहीं है। अब उससे हमने पकने के लिए डाल दिया। यहाँ पर हमने हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ, अदरक और सड़े डाल के इसमें हम ग्राइंड कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे लिट्टी के लिए ऐसे बारीक अलग से हमने चाकू से कट नहीं किया है, सबको इसमें चॉपर में रख के चॉप कर लिया है, जो कि बहुत ही आसानी से, जल्दी से, अगर आपको बनाना हो तो झट से कम टाइम में आप जल्दी से इस लिट्टी को आप बना सकते हैं, जब दिल करे बना सकते हैं। ये नहीं कि मतलब लिट्टी कैसे बना, इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम है, लिट्टी लहसुन को छीलना है, अदरक को काटना है, तो चौपड़ में आप बहुत ही इजी है, वेरी इजी। आप इसे चौपड़ में डाल के और सारे इसमें भी हरी मिर्च को, अदरक को डाल के कट करके और सबको जल्द से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने अचार का जो जूस है 2 चम्मच इसमें डाले, अजवाइन हाथ पर मसल के डाले, 2 चम्मच शुद्ध घी डाले। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें जो इसमें हमने चॉपर में चॉप किए तो उसी में पानी ऐड करके इसमें सत्तू में हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सत्तू को अच्छे से मिला लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम इस सत्तू को जितने अच्छे से मिलाएंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और खुशबू आने लगेगी, जब अच्छे से इसे हाथ पर हथेली से हल्के हल्के दोनों हथेली से इसको मिलाएंगे, मसलेंगे, जैसा कि लुक एट दिस आप देख रहे हैं। आप इस तरह से मिलाएं और बहुत ही टेस्टी लिट्टी आपकी तैयार होगी, 100% बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। हाथ से मसलने के बाद इसमें से एक अलग ही खुशबू आने लग। सत्तू में पानी हमें ज़्यादा यूज नहीं करना है, ना ज़्यादा सूखा ड्राई रखना है, हल्के से इसे ऐसा कि हाथ में इसका बाइंडिंग अच्छा से बन जाए। अब हमारा सत्तू पूरा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे आटा तैयार कर लेते हैं। जब लिट्टी को भरने के लिए डो बनाएंगे, आटा को हल अच्छे से गूंदेंगे, नहीं इसे ज़्यादा गीला करना है, नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे, इसे मीडियम में हमने आटा अच्छे से गूंद के तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, हल्के हल्के पानी डाल के। आप चाहें तो इसमें हल्के से घी भी ऐड कर सकते हैं आटा में। देखिए यहाँ पे आटा भी हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इधर हम भंटा को चेक कर लेते हैं, चोखा के लिए जो हमने पकने के लिए डाले थे, अब इसे देख लेते हैं। ये अभी कुछ बाकी है, पूरा कम्प्लीटली नहीं पका है। इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई नहीं रखना है कि जल जाए, लो पे भी अच्छे नहीं पकेगा। अब यहाँ पे भंटा मेरा पक चुका है, अब यहाँ पे टमाटर को पकाएंगे, एक स्टिक से अच्छे से इसे हम पकाएंगे चारों तरफ से घुमा के फ्रेंड्स।
इसके सारे छिलके अपने आप उतर रहे हैं, अच्छे से मेरे पक चुके हैं सब। बैंगन भी पक चुके हैं, टमाटर भी पक चुके हैं। अब इससे हम सबको ऊपर से छिलके को उतार देंगे, अच्छे से छिलके को सारे को साफ कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, टमाटर से और बैंगन से। बहुत ही टेस्टी हमारे चोखा बनने वाली है। अब इन सबको आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हाथ भी नहीं जलने वाली बात है। इसे सबको हम चौपड़ में ही चोखा को तैयार करेंगे। सबको छिलका निकालने के बाद हमसे चौपड़ में देखिए अब कितने अच्छे चोखा इसमें से बन के तैयार होगा। यहाँ पे चोखा मेरा तैयार हो चुका है। अब इसमें टमाटर डालेंगे पके हुए, उससे भी हम चॉप करके इसमें डाल देंगे। ये कितना अच्छा चोखा बनकर तैयार हुआ। उसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, अचार का ऑयल हल्का सा डालेंगे, हल्का सा मस्टर्ड ऑयल उसमें डालेंगे। अब इन सबको अच्छे तरह से मिलाएंगे। कम्प्लीटली यहाँ पे चोखा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, चोखा रेडी है। ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। खुशबू भी आ रही है जो मैं फील कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लिट्टी भरने के लिए शुरू करेंगे। अब यहाँ में लेमन जूस हम सत्तू में ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। नींबू लास्ट में ऐड करें, ज़्यादा या कम उसमें जूस कर सकते हैं, जितना खट्टा पसंद करते हैं उस तरह से। अब यहाँ पे हमने आटा को लोई बना लिया है, बड़ा छोटा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से हाथ पर चिकना करके सबको हाथ से दबा के सबको हम भर लेंगे। लुक एट दिस, इसमें सत्तू डालेंगे और सबको पोटली की तरह चारों तरफ से घुमाते हुए जैसा आप देख रहे हैं इसे अच्छे से भर लेंगे। उसके पतले वाले मुंह को हाथ पर अच्छे से हथेली पर मिला के और दबा देंगे कि वो खुले नहीं। साड़ी को हम एक एक करके टोटली साड़ी लिट्टी को ऐसे भर लेंगे जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद गैस पे हम इसे सबको अच्छे से सेकेंगे। देखिए एक बार हम में ही साड़ी को हमने डाल दिया यहाँ पे। अब इसे ढक देंगे कुछ देर के लिए ऊपर से और सबको एक एक करके अलट पलट के सेकेंगे। फ्रेंड्स बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी लिट्टी बनती है। और जैसे हम बना रहे हैं इस तरह से आप सेक के जब बनाएंगे, ऊपर से घी इसमें लगाएंगे, तो पूछिए मत, कमाल का टेस्ट होता है इसका। जब इसे एक बार आप बना के खाएंगे तो इसका टेस्ट क्या है, आप सभी दीवाने हो जाएंगे। आप हर बार बनाएंगे। जब बारिश का मौसम होगा तो सोचे चलिए उस तरह की लिट्टी बनाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। यहाँ लिट्टी भी हमारी कम्प्लीटली रेडी है, लिट्टी चोखा सब बन के तैयार है। अब यहाँ हम सबको एक प्लेट में शुद्ध देसी घी लिए और सबको अलट पलट के घी में डुबाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिट्टी रेडी है फ्रेंड्स। देखिए सारे लिट्टी को हमने घी में डुबो कर निकाल के सारे को प्लेट में रख लिए। बारी बारी से सारे लिट्टी को हमने घी में अच्छे से डुबो के रख लिए। तैयार है फ्रेंड्स यहाँ लिट्टी चोखा। इंजॉय विथ फैमिली फ्रेंड्स। अगर आज की भी ऐसी वीडियो आप चाहते हैं, हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में।